वाराणसी के कैंट स्टेशन के आउटर पर ट्रेन रुकने का झंझट अब हो गया खत्म। यार्ड के रीमॉडलिंग का काम हो गया पूरा। नमस्कार दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और साथ में जो लोग नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करिएगा दोस्तों। चलिए पूरा आप लोग को जानकारी देते हैं। अब वाराणसी के कैंट स्टेशन से सभी ट्रेनें लगभग निर्धारित समय से चलेंगी। सभी प्लेटफार्मों की लंबाई और चौड़ाई बढ़ गई है। इससे 24 कोचों की ट्रेन बड़े आराम से प्लेटफार्म पर खड़ी हो सकेंगे। नए बने प्लेटफार्म 10 पर से भी ट्रेन गुजरेगी। वाराणसी सिटी से आने वाली ट्रेनें और लोहता, शिवपुर व बनारस स्टेशन से आने वाली ट्रेनों का भी रूट साफ हो गया। इन छोर से आने वाली ट्रेनों को प्लेटफार्म पर आने के लिए आउटर पर लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। अब वो इंतज़ार खत्म हो गया है और ट्रेन सीधे वाराणसी कैंट स्टेशन पर खड़ी हो जाएंगे। यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य चुनौतीपूर्ण था, जिसे तय अवधि में पूरा किया गया। आपको बता दें कि 20 वर्षों से यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य कराए जाने का लेकर मंथन किया जा रहा था। यह उपलब्धि अब जाकर मिली है। यार्ड रीमॉडलिंग के दौरान 38 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई, जो कि 4 स्टेशनों के बराबर होती है। कैंट स्टेशन के यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य 70 दिनों में पूरा करना था, जो कि मात्र 45 दिनों में चुनौतीपूर्ण तरीके से पूरा किया गया। यार्ड रीमॉडलिंग के तहत बृहद 663 रूट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की स्थापना हुई, जिसमें 283 सिग्नल और 214 पॉइंट के साथ 6 दिशाओं में ब्लॉक वर्किंग शामिल है, जिसमें 158 नए टर्न आउट वाले यार्ड में संशोधन और लगभग 38 किलोमीटर के रूट इंटरलॉकिंग के साथ ट्रैंक लिंकिंग को उत्तर रेलवे के विभिन्न विभागों के अथम परिश्रम और योजना समन्वय के बाद शुरू किया गया। यात्रियों की सुविधाओं में हुई वृद्धि। कैंट स्टेशन पर 2 अतिरिक्त पूर्ण लंबाई वाले प्लेटफॉर्म 10 और 11 8 प्लेटफार्मों की लंबाई और चौड़ाई का पुनर्निर्माण। तीसरा फुट ओवर ब्रिज 10 मीटर चौड़ा, दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए गए। लेवल क्रॉसिंग संख्या 4 पर 3 मीटर चौड़ा व 65 मीटर लंबे फुट ओवर ब्रिज पर रैप की सुविधा। वर्ष 1994 के बाद अब स्टेशन पर मेजर यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से रद्द किया गया और मात्र 45 दिनों में कार्य को पूरा किया गया। यार्ड की रीमॉडलिंग के बाद अब अलग लुक देखने को मिलेगा। रीमॉडलिंग के बाद 2 नए प्लेटफॉर्म आकार ले लेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 10 और प्लेटफॉर्म नंबर 11 बनकर तैयार होने के बाद संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। सभी प्लेटफॉर्म पूर्ण आकार यानी 650 मीटर होंगे। इस पर 22 से 24 कोचों वाली ट्रेनें आसानी से खड़ी हो सकेंगी। 3 पटरियां बढ़ने से रनिंग लाइनों की संख्या 15 हो जाएगी। इससे ट्रेनों का परिचालन आसान होगा। गुड्स लाइन तैयार होने से इनकी संख्या 6 हो जाएगी। गुड्स ट्रेनों के परिचालन में इससे आसानी हो जाएगी। 4 नई वॉशिंग लाइन बनने के बाद इसकी संख्या 8 हो जाएगी। इससे ट्रेनों की ढुलाई और प्राइमरी मेंटेनेंस का काम आसान हो जाएगा। 5 स्टेबलिंग लाइन बनने से इसकी संख्या 8 हो जाएगी। इससे ट्रेनें को खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैंट स्टेशन पर 9 डायमंड क्रॉसिंग में सिर्फ 1 रहेगी। इससे ट्रेनों का क्रॉस मूवमेंट काफ़ी कम हो जाएगा। पटरियां कनेक्ट होने से लोहता से आने वाली ट्रेनों पर प्लेटफार्म संख्या 1 से 3 पर आ सकेंगे। यह सुविधा अब भी इसके पहले नहीं थी। कैंट स्टेशन और वाराणसी सिटी के बीच चिकन नेक लाइन खत्म की जाएंगी। वाराणसी छोर और बनारस लोहता का यार्ड लाइन पर स्थित ब्लॉक हट जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।